अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज ना हम लोग ट्रैवल के लिए निकलने लगे हैं और ये देखिए मैंने ये नगेट्स बनाई हैं बच्चों के लिए, थोड़े से मैंगो कट किए हैं, साथ में हम ये पानी की बॉटल्स लेके जाएंगे, ये कॉर्न वगैरह और फिर ये फ्रूट्स वगैरह लेके जाएंगे और बाकी भी कुछ चीज़ें फ्रिज में, लेकिन ऑब्वियसली ट्रैवल में आपको पता है बाहर से खाने ज़्यादा खाए जाते हैं, तो लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लेके जाएंगे। खैर, मैंने आपको सबसे पहले बताना है कि यार अगर आप लोगों को एलर्जी का इशू है हैंड्स पे या आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक ये मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, ये मैं कोई एडवर्टीजमेंट के लिए वीडियो नहीं बना रही, तो आप लोग ना ये वाला लोशन ट्राई करें, स्पेशली समर में आप लोगों को प्रॉपर 100% रिजल्ट्स नज़र आएंगे, क्योंकि मेरे ना हैंड्स पे काफ़ी टाइम से एलर्जी हुई थी और यार थैंक गॉड कि मुझे ये मिला है। मतलब मैंने 2 साल से मैंने बहुत चीज़ें अप्लाई की अपने हैंड्स पे, बार बार एलर्जी हो जाती थी गर्मी की वजह से, बार बार डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो जाती थी, थैंकफुली अब मेरे हैंड्स बिल्कुल ठीक हैं। खैर, इसके बाद आते हैं कि हम लोग ना ट्रैवल पे जा रहे हैं इंडियाना स्टेट में, इंडियानापोलिस, हाँ इंडियाना स्टेट है वहाँ का, इंडियानापोलिस सिटी है, उसमें जाएंगे और आज हम लोग रास्ते में कहीं और रुकेंगे और उसके बाद हम लोग ना इंडियाना पहुँचेंगे, वहाँ पे हम लोगों का 1 वीक का ट्रिप है, तो हमारे साथ रहिएगा और मैं आप लोगों को मतलब सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी और हमारे साथ रहिएगा। और ये देखेंगे ना, मैंने कम्फर्टर वॉश किया था तो ये ड्रायर में भी ना ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ था, मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई मतलब अच्छे से ड्राई हो जाए फिर मैं रखूँगी, वरना आपको पता है ना कपड़ों से स्मेल आ जाती है। खैर, यहाँ पे ना जब आप कपड़े ड्रायर में ड्राई करते हैं ना तो उनको ना धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती, लाइक यहाँ पे खुद ही कपड़े ना ड्रायर में ही बिल्कुल ड्राई होकर निकलते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के कम्फर्टर वगैरह जो होते हैं ना इनको धूप में डालने की ज़रूरत पड़ती है, सो हमारे साथ रहिएगा। सो गाइस, हम ना थोड़ी लेट हो गए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड ना उन्होंने कुछ काम करने थे, उन्होंने कहा कि जब निकलना ही है तो सारे यहाँ वाले काम रैप अप करके निकलते हैं, सो मैं बच्चों के साथ बैठ के उनका वेट कर रही हूँ, तो थोड़ी देर में निकलेंगे और इस व्लॉग में मैं सारा ट्रिप दिखाऊँगी, हमारा 1 वीक का व्लॉग है और मैं एक ही व्लॉग बनाऊँगी, देखते हैं कितना लंबा बनता है। लेट्स सी, ज़्यादा धूप है रास्ते में, पहुंच गए हैं जी मेरी जान। यस मेरी जान, और हम लोग आज रुके हैं वेस्ट वर्जीनिया में, कोई छोटा सा सिटी है जिसमें हम रुके हैं, ये वेस्ट वर्जीनिया स्टेट है और यहाँ से कल हम जाएंगे मेरे ख्याल है इंडियाना स्टेट में हम लोग जाएंगे। यस, तो हियर वी आर, अभी हम इस होटल में रुके हैं और रात का खाना खाने जा रहे हैं एज यूजुअल, यहाँ पे बिल्कुल साथ डैनीज डाइन्स जा रहे हैं। ये हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 24 आवर्स खुला रहता है, इस टाइम हुए हैं रात के 12:30 और हम लोग इस टाइम यहाँ से खाना खा रहे हैं, तो हम लोग ना इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये मतलब 24 आवर्स क्योंकि ओपन रहता है, तो हमें हमारे लिए यही सूटेबल होता है क्योंकि हम लेट नाइट ईटर और स्लीपर हैं। एंड वी आर इन साइड एंड वेटिंग फॉर समन जो हमें यहाँ पे बिठाए, करनी है। प्लीज
Do you have any spicy sauces I can use for this? तो ये है जी हमारा डिनर. डिनर हमारा आ गया है. बेटी यू कैन स्टैंड हियर एंड वेट. दैट सोशल डिस्टेंसिंग प्लेस. That's another. That's 6 feet social distancing. पारे तूने कुछ भी नहीं खाया जुबो से. अभी हम चेकआउट करने लगे हैं इस होटल से और अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कहाँ जाते हैं. ये हम थे अभी वेस्ट वर्जीनिया में. बेटी डोंट गो ओवर देयर. That's for breakfast. For breakfast? Yes. Let me say it, Mom. बताओ तुम. रात को हम ना वर्जीनिया में ये एक विंचेस्टर सिटी है वहाँ पे रुके थे और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कोलंबस यानी के ओहायो स्टेट में. और ओहायो स्टेट का सिटी है कोलंबस. तो हम लोग ना अब वहाँ पे जा रहे हैं. यार ये ना हरिकेन है जो बहुत ही गंदा तूफान आता है ना अमेरिका में, ये वो है रास्ते में. ये देखिए गाड़ी मतलब ड्राइव ही नहीं हो रही. इतना ज़्यादा तूफान है, इतना ज़्यादा के इसको ना हरिकेन बोलते हैं. और ना स्पेशली वेदर में बताते हैं कि इसे अवॉइड करें. यानी आप भी कहीं गाड़ी खड़ी कर लें या आगे जान चेक करें कि कहाँ जाते हैं. ये बहुत ख़तरनाक होते हैं इसमें. स्पेशली कहते हैं कि इसमें ना निकलें, अवॉइड करें. सो गाइज ये अमेरिकन काउज. हाँ काउज हैं, बफलोज नहीं है, काउज हैं. वैसे बस इनके कलर ब्लैक है लेकिन ये मगर इंग्लिश बोलते हैं. हाँ लेकिन इंग्लिश बोलती है. ओए कितनी खतरनाक है. व्हाट हैपेंड. डोंट मेक वीडियो. और इस टाइम हम लोग हैं वेस्ट वर्जीनिया में. हम ऑलरेडी इस टाइम वेस्ट वर्जीनिया में आ चुके हैं. और ये देखें कितनी खूबसूरत सी स्टेट है ये. ये ना वेस्ट वर्जीनिया जो स्टेट है ना ये ज़्यादा मतलब यहाँ पे जो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा. हाँ जंगल और माउंटेन्स है यहाँ पे ना. पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे कम है लेकिन माउंटेन्स और जो फॉरेस्ट है ना वो इस तरफ बहुत हैं. तो जब आपने कभी सैर करनी हो ना तो वो वेस्ट वर्जीनिया की तरफ लोग ज़्यादा ट्रैवल के लिए आते हैं. और मैंने ये ड्रेसिंग की हुई है ठीक है. ये मेरे जानू हैं साथ में मेरे बैठे हुए. अब सही नज़र आ रहे हैं. कैसे लग रहे हैं हम दोनों? अच्छे लग रहे हैं ना. माशाल्लाह बोलें प्लीज़ देख के. माशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर बोलें. और ये पीछे मेरी प्यारी सी बेटी जान और ये मेरे बेटा जान बैठे हुए हैं. जयान कुरैशी. जयान कुरैशी जान. हाय मेरा बच्चा प्यारा. And this is our family. माशाल्लाह. ये देखिए यहाँ पे ना कोई पार्टी हो रही है और इन लोगों ने रोड ब्लॉक की हुई थी काफी देर. यहाँ पे बैठ जाओ तुम. वेट करके तो फिर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं था जाने वाला. और ये गांव है यहाँ का ना कोई. ये देखिए गांव में पार्टी हो रही है. तेरे बिन तेरे बिन. वो देखिए वो कैसे ना दरख्तों के नीचे बैठ के तो लोग इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि गर्मी को ना यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं. ये देखें कैसे बैठे हुए हैं. हाँ जी बेटी आई एम लिसनिंग. यस मेरी जान दे आर हैविंग सो मच फन. ये देखें और ये कितना खूबसूरत लग रहा है. ये देखें ये गाँव है यहाँ का. इमेजिन करें अमेरिका का गांव है ये. वाओ अब तो हम भी यहाँ पे आके गर्मी को ऐसे ही इंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा. वेट करो मेरी जान. यस मेरा बच्चा वी विल गो लेटर.
ये ना इस टाइम हम मैरीलैंड स्टेट में हैं और यहाँ पे ना हम लोग रुके हैं कहीं वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, कुछ खाने पीने को लेने के लिए। तो अब हम लोग जाने लगे अंदर। पता नहीं यार, मेरी ना रात को नींद पूरी नहीं हो सकी, तो बहुत टायर्ड है हम लोग, मैं बहुत टायर्ड हूँ। खैर बाकी तो ये लोग सोए हैं शायद प्रॉपर। हाँ जी बेटी, अभी जोया ना गाड़ी में सो रही है और हम लोग ना यहाँ पे डॉलर जनरल पर रुके थे कुछ बच्चों को स्नैक्स वगैरह लेके देने के लिए और वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। तो अभी हम लोग इस टाइम हैं, अभी भी स्टिल वी आर इन मैरीलैंड और हम लोग बस आज यहाँ से मैरीलैंड से ओहायो स्टेट में जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर नाउ। यहाँ पे पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब बहुत तेज़ धूप निकल आई है, लाइक बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। खैर वी आर इन्जॉइंग। अब पता है ट्रैवल ना हमारे लिए एक थेरेपी है, मतलब कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी ट्रैवल करना पसंद है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। अब ना हमने अपने बच्चों को भी आदत डाल दी है, तो हम कुछ टाइम ट्रैवल ना करें तो हमारे बच्चे भी लिटरली जोया कह रही होती है कि आई वांट टू गो समवेयर इन द होटल, आई वांट टू स्टे इन द होटल रूम, आई डोंट नो, मतलब आई वांट टू गो समवेयर। तो इस तरह से ना, मतलब हम लोगों को ना अल्लाह का शुक्र है कि ना ये आपकी मैचिंग होना बहुत बड़ी बात है कि लाइक आपकी और आपके हस्बैंड की आदतें सेम हों। लाइक हम दोनों को ट्रैवल का बहुत शौक है और ये बात मुझे ना शादी के बाद पता चली थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि यार सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी पता है बाज कपल्स देखे हैं, उनको ना किसी को ट्रैवल का शौक, मतलब लड़कियों को होता है, बंदों को नहीं होता, वो बहुत उनके लिए तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे कपल्स के लिए। और ज़्यादा लोग ना मतलब इसी तरह से होते हैं, लेकिन हम लोग इस मामले में काफ़ी, मतलब हमारी काफ़ी थिंकिंग भी काफ़ी कुछ हमारे में मैच होते हैं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जोड़े आसमानों पे बनाए होते हैं तो मैचिंग से बनाए होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्यूट है, अपने बाबा के साथ ना बड़ा क्यूट होकर बैठ जाता है, वो जहाँ बैठते हैं ना उनके साथ जाके बैठ जाता है। माशाल्लाह मेरी जान का टोटा बड़ा अपने बाबा से प्यार करता है। और ये देखें, ये हमारी गाड़ी ओपन हुई है, इसको मैं बंद करती हूँ क्योंकि अंदर वो जोया सो रही है तो गर्मी ना हो जाए। लेक देखें कितनी खूबसूरत आई है, वेस्ट वर्जीनिया में ना जानिए, मॉर्गन टाउन वेस्ट वर्जीनिया। और इस टाइम हम माउंटेन्स में हैं और बहुत ही खूबसूरत स्टेट है ये, बहुत खूबसूरत जगह है। सो हम लोग ना इस चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आए हैं, यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे हैं। हम लोग ना जब भी आते हैं ना इधर उधर, तो हम ना ज़्यादा ना मोस्टली चाइनीज़ फूड खाते हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी फूड है ना वो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है। लाइक के क्योंकि छोटी स्टेट्स हैं, लाइक इस टाइम हम वेस्ट वर्जीनिया में हैं तो ये छोटा सा सिटी है मॉर्गन टाउन, इसलिए यहाँ पे ना सिर्फ और सिर्फ हमें चाइनीज़ फूड ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है या अमेरिकन फूड। अमेरिकन फूड क्योंकि हम खाते नहीं हैं, बर्गर वगैरह शौक से, मतलब बंदा घर में भी इतने खाता है तो फिर बाहर जाके नहीं दिल करता। लेकिन चाइनीज़ फूड का ये है कि हम लोग ना चाइनीज़ फूड में ये वाले सेलेक्ट करते हैं, श्रिम्प और फिश और इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट कर लेते हैं। और जोया के लिए वेजिटेबल नूडल्स, यहाँ पर वेजी राइस भी मिलते हैं, राइस विद वेजिटेबल्स और फिर श्रिम्प विद वेजिटेबल्स और फिर नूडल्स। तो हम ना इस तरह की चीज़ें यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मेरी जान, दे आर गिविंग अस ऑल स्पून एंड फोर्क आर हियर, लेट मी गिव यू। खाना इतना ज़्यादा खा लिया है कि अब ना चलने की और बैठने की भी हिम्मत नहीं है। यहाँ से हमने अभी खाना खा के बाहर आए हैं, अब बस थोड़ा सा हिम्मत करके आगे जाते हैं। यहाँ से कोई 3 आवर्स रहते हैं कोलंबस पहुँचने में ना। यार अब हम लोग ना पेंसिल्वेनिया स्टेट में एंटर हुए हैं और साथ ही ये देखिए दोबारा से थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया है और इतना ज़्यादा हैवी वाला शुरू हो गया है कि मतलब इतनी ज़्यादा बिजली पड़ रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिस्से मान में रखें। अभी हम लोग ना मैकडोनल्ड में रुके हैं, बच्चों को आइसक्रीम दिलवाने लगे हैं और फ्राइज़, ताकि बच्चे थोड़े फ्रेश हों।
और मैकडोनल्ड तो हमारा ज़रूर स्टॉप होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ से फ्राइज और आइसक्रीम बहुत लेते हैं हम। अपनी खा रही है, वो भी अपनी खा रहा है, तो इसकी नज़र इसकी नज़र ना ज़यान की आइसक्रीम पे भी है और मेरी आइसक्रीम पे भी है। ठीक है, खा लूँ मेरी और मेरे जाने की कॉफ़ी रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बड़ी मज़े की बात शेयर करनी थी कि यहाँ पे ना आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, तो आप ये टेबल इस तरह से गंदे नहीं छोड़ के जा सकते, अदरवाइज उनको बहुत गुस्सा आता है आप पे। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर टेबल ये भी साफ़ करनी है, ये हम ट्रैश में फेंक के फिर जाएंगे, मतलब कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बहुत है कि आपको ना केयरफुली यहाँ से क्लीन करके जाना होता है, इसलिए अमेरिका साफ है। आपको पता है यही पाकिस्तान हम ऐसे ही छोड़ के चले जाएँ। ये जी, हम ओहायो स्टेट में एंटर हो गए हैं। This is our second hotel in Pennsylvania state, and we are gonna stay here for one day, and then we will go tomorrow. We will go to the not in Pennsylvania. This one is in the Ohio state. We are in Ohio state, okay? And tomorrow we will go to the Columbus city, which is maybe capital of Ohio. So. Stay tuned. Zoya, what are you doing? I don't share Dr. Bean's pie. Betty, that's not good thing. You should share with your bhai. Zayan, what are you doing? Control yourself. अभी हम खाने लगे हैं पिज्जा, पार्किंग लॉट में है वो, सामने डोमिनोज से बाइक है। हाँ जी बेटी, कभी चुप करके रहा करो, कभी हर वक्त बोलती हो, एक सेकंड नहीं चुप करती। ये है वो पिज्जा जो कि बहुत टेस्टी है। इस टाइम हुए यहाँ पे रात के 12:30 और दो ये बच्चे और तीसरे इनके बाबा पिज्जा लेके ना, तो तीनों उधर जाके खा रहे हैं, फिर लेने आते हैं, फिर लेके ना उधर दूर जाके खाते हुए आते हैं। ये तीनों बहुत फनी है। You are feeling cold? Yes. यहाँ पे ना सर्दी हो गई है, कह रहे थे सर्दी लग रही है तो इसमें बिठाएं। Then you can stay here. अब हमारा यहाँ पे थर्ड डे, ठीक है, और हम लोग आए हुए हैं एलडी कुछ चीज़ें वगैरह बाय करने के लिए, बच्चों के कुकीज़ वगैरह बाय करने के लिए, और ब्रेड वगैरह जो भी, और दूध फिनिश हुआ हुआ है वो बाय करने के लिए, और फ्रूट्स वगैरह। सो गाइस, आज है हमारा थर्ड डे, ठीक है। ज़ोया और ज़यान को गाड़ी में बिठा दिया गया है, मतलब कि इनको सीट बेल्ट पहना दिए गए हैं, और अब हम स्टार्ट करने लगे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम लोग जाएंगे होपफुली आज कोलंबस सिटी में, ठीक है। तो हमारे साथ देखिएगा कि क्या क्या करते हैं हम। मोटरसाइकिल वाले देखें कितने मज़े से जा रहे हैं। तीनों कोई दोस्त हैं और तीनों मज़े से जा रहे हैं यार। इतना हॉरर सा गाँव है ना, ऐसे जैसे हॉरर मूवीज में नहीं होता वो वाला गाँव है, ये वाला प्रॉपर गाँव है, प्रॉपर हम गाँव के अंदर आए हैं सिर्फ गाँव को देखने के लिए कि यार फील कर सके। और ना यहाँ पे लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बाहर बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं यहाँ पे, तो अभी मैंने वीडियो बनानी लेट स्टार्ट किया, पीछे बहुत लोग थे और बहुत ही, और पता है यहाँ पे ना छोटे छोटे रिक्शे भी चल रहे थे, और ये प्रॉपर वो वाली, ये देखेंगे ये घर देखेंगे गाँव के, छोटे छोटे घर ये देखें सारा। ये हम इस टाइम ना ओहायो स्टेट में हैं। हाँ जी जानी, ओके बेटी, ये देखिए। हाँ जी बेटी, ओके मेरी जान, ओके। बिकॉज बेटी रोड इज अप एंड डाउन। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना पुरसकून माहौल है यहाँ पर बना हुआ। या बेटी या। अभी हम सब्वे खा रहे हैं।
ये देखें यहाँ पे ना लोग ये गाड़ियाँ चलाते हैं, ये देखें जैसे पाकिस्तान में रिक्शे चलाते हैं ना, ये रिक्शा है लोगों के लिए यहाँ पे ना, कि मतलब कि ड्रॉप वो औरत एक चला रही है औरत और दूसरी को ना वो ड्रॉप करने जा रही है, ये यहाँ का रिक्शा है। ये देखें कैसा है, वैसे ये भी ना ये गाँव है, ये ओहायो में कोई गाँव है छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, तो वहाँ पे है ये सब कुछ। ये हम लोग इंडियाना में एंटर हो गए हैं, ये देखिए वेलकम टू इंडियाना, इंडियाना स्टेट में, दैट्स अनदर स्टेट। तो ये ना इंडियाना में, इंडियाना मुझे याद ही नहीं होता नाम, इंडियानापोलिस सिटी है, उसमें हमने आना था मेनली। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ कि क्या बताऊँ, और ना हमने कुछ नहीं खाया, वह रात का टाइम है और ये पिज़्ज़ा लेने अब जा रहे हैं, इतनी तेज़ बारिश है, पहले से कम हुई है लगता है। सो गाइज़ आज ना हमारा फोर्थ डे है ट्रैवल में, ठीक है, चार दिन तीन दिन से हम बाहर निकले हुए, आज चौथा दिन स्टार्ट हो गया है, और मतलब कि इस टाइम हम इंडियानापोलिस में है यार, बार बार मुझे इतना गंदा सा नाम है कि याद ही, इंडियानापोलिस में है, और हम लोग ना किसी मतलब हम लोगों को ना डिफरेंट स्टेट्स को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, लाइक अमेरिका की टोटल 50 स्टेट्स हैं, जैसे पाकिस्तान के सूबे होते हैं ना, चार सूबे हैं पाकिस्तान, ऐसे अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं। तो जब से मैं आई हूँ 2020 से, 4 ईयर्स में ना हमने 37 स्टेट्स को ट्रैवल कर लिया, और ये हमारी 38 वाली स्टेट है जिसको हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि इस ट्रैवल में ना हमने पहले वर्जीनिया से मैरीलैंड आए, मैरीलैंड से वेस्ट वर्जीनिया गए, वेस्ट वर्जीनिया ये सारी स्टेट्स के नाम मैं ले रही हूँ, वेस्ट वर्जीनिया से फिर हम पेंसिल्वेनिया गए, और पेंसिल्वेनिया से हम लोग इंडियाना गए, इंडियाना हम लोग पहली दफ़ा आ रहे हैं, बाकी स्टेट्स हमने पहले देखी हुई हैं। तो ये हमारी 38 वाली स्टेट है जिसको हम देख रहे हैं, मतलब कि अमेरिका की बहुत कम स्टेट्स रह गई हैं जो हमने नहीं देखी हैं, अब पीछे कोई 13-14 स्टेट वो भी हमने कवर करनी है, हमने सोचा हुआ है कि पूरा अमेरिका जब हम विज़िट कर लेंगे ना फिर हम इंटरनेशनल ट्रिप्स स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो गाइस ये है इंडियानापोलिस सिटी, और ये यहाँ के घर हैं, यहाँ की लैंडस्केप जो है ना वो मतलब के मैदानी इलाका है, ये पाकिस्तान जैसी लैंडस्केप है, और ग्रीनरी भी यहाँ पे वहाँ जैसी है, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम नहीं है, नॉर्मल ग्रीनरी है जैसे पाकिस्तान में है। तो हम लोग ना हम लोगों ने ये स्टेट नहीं देखी हुई थी, तो हम लोग मेनली ये स्टेट देखने आए थे, क्योंकि हमने सोचा कि यार इस ट्रिप में ना हम कोई डिफरेंट कुछ देखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हम लोगों का 3 दिन का स्टे है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लैंड है दूर दूर तक यहाँ पे ना, अब हम लोग डेनिस पे एज यूजुअल यहाँ के डेनिस पे जाने लगे हैं, इंडियानापोलिस में है, जो भी मुझे यहाँ से देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सलाम पाकिस्तानी लोग, क्योंकि हमने नोट किया है यहाँ पे बहुत पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं पाकिस्तानी इंडियन, वो हम बाद में ट्राई करेंगे, फिलहाल ना जोया ने पैनकेक खाने हैं, तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं टेनिस। इन दोनों को पड़ी हुई थी कि हमें ना टॉयज लेके दें, जोया ने ये सेलेक्ट की है और इसने ये ट्रक सेलेक्ट की है, और अब ये जयान ना इधर ही वॉलमार्ट में ही चलाता जा रहा है, वॉलमार्ट आए हुए हैं। इस टाइम भी अभी तक हम इंडियाना स्टेट में ही है, यहाँ पे आके मैं बहुत मतलब हमें यहाँ पे आज 5वां दिन हो गया है, 3 दिन से हम यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन ना ये हुआ है कि मैं यहाँ पे आके ना वीडियोज़ ही नहीं बना सकी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हम, डेली कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ज़ू जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बच्चों के साथ ना वीडियोज़ बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। सो ये अभी हम आज इस जगह भी आए थे, तो मैंने कहा कि यार मैं थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर लूँ ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि यार हम लोग अभी तक इंडियाना में हैं, लेकिन कल हम लोगों ने वापस यहाँ से वापसी करनी है, लाइक वापसी का सफ़र शुरू करना है, और फिर देखते हैं कि हम कितने, हमें 3 दिन लग जाएंगे वापस पहुँचते हुए, क्योंकि बहुत दूर है इंडियाना नॉर्दर्न वर्जीनिया से। ये देखें यहाँ पर बच्चों को ना हम स्लाइड्स पर ले आए हैं, क्योंकि इनको ये चाह रहे थे कि इनको स्लाइड्स पर लेके जाया जाए, स्लाइड्स बंद हैं इस टाइम, स्लाइड्स बंद नहीं है, जोया सो रही है, ठीक है, वो देखें वहाँ पे जोया सो रही है, और अब जयान अकेला खेलना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये उसके बगैर कुछ भी नहीं करता,
और यार ये पार्क है ना, तो इस पार्क के ना उस तरफ यानी कि उस साइड पर रोड के ना कब्रिस्तान है। सेम इसी पार्क की तरह की उन्होंने कब्रिस्तान बनाई है, मतलब कि कब्रिस्तान भी इतनी खूबसूरत बनाई है, मैं हैरान रह गई कि देखो यार यहाँ का कब्रिस्तान भी कितना प्यारा है। सेम इसी तरह का जैसे कि पार्क है ना, ऐसे ही उस तरफ कब्रें बनी हुई हैं, सेम इसी तरह का है। यार ये इंडियानोपलिस सिटी है, लेकिन हमें ये जगह पसंद नहीं आई क्योंकि यार जहाँ जा रहे हैं नशई नजर आ रहे हैं, नशई मतलब कि ये नशेयों का इलाका है। और पता है इस तरह के एरियाज में ना फिर हम लोग जो देसी लोग हैं ना वो रहना प्रेफर नहीं करते। तो बहुत लोग मुझे टिकटॉक पे पूछ रहे थे कि आपने इतनी स्टेट्स ट्रैवल की हैं तो आपको कौन सी स्टेट अभी तक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। तो मैंने यही कहना है कि हमें ना सबसे अच्छी वर्जीनिया ही लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना इस तरह की मतलब क्राइम रेट बहुत लो है, वहाँ पे गंदगी नहीं है, वहाँ पे लाइक ये नशई नहीं आपको इस तरह से नज़र आते हैं ना वहाँ पे आपको, मतलब ये बहुत ही गंदे इलाके हैं। बाकी न्यूयॉर्क वैसे बहुत फेमस सिटी है, बट पता है नशई वहाँ पे भी बहुत है, वहाँ पे भी जाए ना आप ट्रैवल के लिए जब जाते हैं तो आपको कितना गंद नज़र आता है वहाँ पे भी। तो इसलिए मुझे तो वर्जीनिया ही बहुत पसंद है। यहाँ पे ना अब हम खाना खाने जाने लगे हैं और वो देखें और बादल है, इतने खतरनाक हुए हुए हैं यहाँ पे बादल कि क्या बताएं। और यहाँ पे इतने तूफान आते हैं इस एरिए में, हम 3 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं, उफ तौबा बारिश है तूफान तौबा बुरा हाल है यहाँ पे। तो आज हमारा 6th डे है और आज हम ना वापसी का सफर करने लगे हैं, लाइक वापस जाते हुए भी हमें 2-3 दिन लग जाने हैं। देखते हैं कि ये 8 डेज का ट्रिप होता है या 9 डेज का टोटल, लेकिन आज हमारा 6th डे है। पहुंच गए हैं मॉर्गन टाउन सिटी में, ठीक है। ये वेस्ट वर्जीनिया का सिटी है और हमारी वापसी हो रही है आज यहाँ पे। जोया कह रही है डोंट मेक वीडियो। आज ना यहाँ पे 6th डे है, मतलब हमारा 6th डे है, कल 7th डे होगा और हम परसों ना वापस घर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यानी कि हमारा ये 8 डेज का ट्रिप था टोटल, और अभी मतलब कि अभी तो है स्टिल इट्स गोइंग। और ये ना हमारा सामान है जो कि अभी हमने अंदर लेके जाना है, और इस होटल में हमारा 2 डेज के लिए स्टे है। और ये ना सिटी बहुत खूबसूरत है मॉर्गन टाउन। यार इंडियाना इतना गंदा, हमें इतनी गंदी स्टेट लगी है। लाइक कीप क्वाइट, आई एम नॉट मेकिंग योर वीडियो, ओके, आई एम नॉट मेकिंग योर वीडियो, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। अच्छा इंडियाना स्टेट जो है इतनी गंदी हमें स्टेट लगी है यार ना, उसका मतलब वहाँ पे कुछ फन नहीं था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, हम लोगों ने लिटरली अपना टाइम वेस्ट किया। 3 डेज हम लोगों ने वहाँ पे स्टे किया और लिटरली हमने ना पहले ही एक्चुअली होटल बुक कर लिया था, हम बाद में बड़ा पछता रहे थे। है बंदे में मतलब लाइफ में आप डाउन होते रहते, मतलब अब कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है, तो अच्छा नहीं हुआ। तुम लोग ना लड़ो ना आपस में, मैं तुम लोगों को ना जुतियां मारूंगी, लड़ो ना आपस में। इधर आओ जयान, जयान कम हियर। ना सो के उठी है तो इसका मूड बहुत ऑफ है। जया व्हाट्स योर प्रॉब्लम? नो व्हाट? सो के उठी है और गुस्सा हमारे पे कर रही है। भाई तुम्हें किसने कहा कि आधी रात को सो? पिछले ना सारे डेज की मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं यार बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी रहे हैं, और दूसरा ना वहाँ पे कुछ खास था भी नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाती। लाइक बच्चों के साथ आपको पता है क्या कुछ मैनेज बंदे ने करना होता है, तो नहीं बना पाते वीडियो। और ये देखें यहाँ पे भी अभी, और उस एरिया में ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, स्टिल अभी यहाँ पे भी बहुत सर्दी है। और बच्चे मतलब मैं जर्सियाँ वगैरह लेके नहीं आई थी, तो फिर मैं बस बच्चों को ही हैंडल करती रही हूँ। आज सारा दिन जयान ने कुछ खाया भी नहीं था, फिर बहुत इश्यूज चल रहे थे डिफरेंट, तो इसलिए मैं लास्ट कुछ डेज़ की वीडियोस तो नहीं आप लोगों से शेयर कर सकी, लेकिन आज क्योंकि हमारा मतलब अब वापसी का सफ़र है तो अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अब हम अंदर जाने लगे हैं होटल के। बेटे बाहर ना जाना, बाबा गाड़ी खड़ी करके आते हैं। दिल का, हाँ जी मेरी जान,
बेटी दैट्स फायर वर्क। देखें कितना खूबसूरत उन्होंने ना होटल को डेकोरेट किया हुआ है। पूछो ना यार क्या हुआ। ओके जी हम जा रहे हैं अब होटल में, अंदर जाने लगे हैं। वाह यार इन्होंने सोने की बनाई हुई है ये सोने की एलिवेटर है। ओह माय गॉड सोने की एलिवेटर 24 कैरेट गोल्ड है ये भी ये देखें ये भी गोल्ड की, ये देखें ये भी गोल्ड की, सारी चीजें गोल्ड की हैं। ओह माय गॉड वो बंद ही हो गई हमारा, उसे माइंड कर लिया है कि यार तुम लोगों ने मेरी अहमियत कम रखी है। 24 नहीं हैवी गोल्ड है। और होटल देखे उन्होंने कितना अच्छे से खूबसूरत से डेकोरेट किया हुआ है। नाइस होटल। मैंने कहा अब क्योंकि व्लॉग एंडिंग की तरफ जा रहा है ना तो मैं आप लोगों से अब ज़्यादा मोमेंट शेयर करती हूँ। पहले मैंने बहुत मिस कर दी है यार, 6 डेज हम लोग ऑलरेडी 6 नाइट्स होटल्स में स्पेंड कर चुके हैं लेकिन मैंने शेयर ही नहीं किया, पता नहीं क्यों बस मेरे माइंड में ही नहीं रहा था। तो अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, ये है वो होटल रूम। हाँ जी बेटी कीप क्वाइट। बेटी मेरी जान एक मिनट मुझे वीडियो बना लेने दो। ये हमेशा वीडियो जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना ये बोलना शुरू हो जाती है जोया, पता है ये इतना बोलती है फिर कहती जाती है मम्मा 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 के बंदा इग्नोर कर ही नहीं सकता। और माशाल्लाह ये इतना बोलती है यार सारा दिन गाड़ी में ना मैं और मेरे हस्बैंड ना इसकी क्वेश्चंस के आंसर दे दे के थक जाते हैं इसीलिए ना मेरे मैं वीडियोज़ बहुत कम बनाती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती यार, आपका दिमाग सारा खर्च हो चुका होता है। आ जाए जानी अंदर ले आए। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे ना अभी आगे रूम है। अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, ये है सारा और ये है, ये एक पूरा सूट रेडी होता है मतलब आप यहाँ पे सब कुछ इंजॉय करें, पूरा एक फुल ज़बरदस्त सेटअप होता है। तुम बेहिस हो यार, आजकल मैं फ़लस्तीन के बारे में भी बहुत परेशान हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती हूँ, तोबा मेरे माइंड में ऑल टाइम घूमती रहती है, एकदम मुझे बुरा फील होता है कि मतलब हम लोग उन लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें यार। और ये वॉशरूम है। खैर तो बस फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें और अल्लाह ताला कुछ ऐसा करें कोई ऐसा मौजा हो कि इसराइल तबाह बर्बाद हो जाए। हाय मैं ये यूट्यूब की वीडियो में बोल रही हूँ, ये ना हो मेरी वीडियो बंद कर दे पकड़ के। ये हम घूम फिर रहे हैं मॉर्गन टाउन सिटी में। अभी ना ये एक फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ना इससे ना नीचे ऐसे रास्ता बना हुआ है, आप वॉक करके जाके ना तो दरिया पे पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरी बेटी जो है ना ये कह रही है कि नो आई डोंट वांट टू गो इसलिए अब हम नहीं जा रहे, हम अब वापस जाने लगे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ों में हमें इंजॉय नहीं करने देती किसी चीज़ को ना, क्योंकि इसको होता है कि बस मैं ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना बस एक ही जगह पे जाना है स्लाइड्स पे। और हम कहीं सैर करने चले जाएं, हमारी ज़िंदगी का पहला और आखिरी मकसद यही रह गया कि हमने स्लाइड्स पे जाना है यार लिटरली हम कोई चीज़ इंजॉय नहीं कर सकते, हमें 24 घंटे स्लाइड्स पे रहना पड़ता है। हम कहीं दूसरे स्टेट्स में जाके भी सैर ये कर रहे होते हैं स्लाइड्स क्योंकि हमारे बच्चों का नशा है स्लाइड्स का, तो हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पे भी स्लाइड्स पे। बहुत ही खूबसूरत ये सिटी है, ये देखें ये ना पहाड़ी इलाका है और वो सामने रिवर नज़र आ रहा है, हम रिवर पे इस टाइम जा रहे हैं। वेस्ट वर्जीनिया। अच्छा वेस्ट वर्जीनिया यार एक डिफरेंट स्टेट है, वर्जीनिया एक डिफरेंट स्टेट है। जब मैं वेस्ट वर्जीनिया कहती हूँ तो लोग समझ रहे होते हैं मैं वर्जीनिया की बात कर रही हूँ। वेस्ट वर्जीनिया डिफरेंट है, वर्जीनिया डिफरेंट है। हम लोग वर्जीनिया में रहते हैं, ये वेस्ट वर्जीनिया एक स्टेट है। अच्छा स्टेट के अंदर बहुत सारे सिटीज और टाउन होते हैं, ये स्टेट को ये एक सिटी नहीं होता, लाइक वेस्ट वर्जीनिया कोई सिटी नहीं है, ये स्टेट है जिसमें बहुत सारे और सिटीज हैं। और फिर वर्जीनिया में भी ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स होती हैं, लाइक जैसे सूबे होते हैं। बहुत लोगों को ना इन चीज़ों की समझ नहीं होती, जब मैं वीडियोज लगाती हूँ वो समझ रहे होते हैं या मैं कोई सिटी की बात कर रही हूँ या मैं कोई मतलब कि वेस्ट वर्जीनिया को भी वर्जीनिया ही समझते हैं। देखें घर, यानी कब के बने होंगे ये, नए हैं होंगे। हाँ ये देखें घर और साथ ही ये रिवर है सामने।
इस तरह के घर बड़े महंगे होते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत सा बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त। और जोया एज यूजुअल इशू क्रिएट कर रही है कि आई डोंट वांट टू गो, हालांकि हम अंदर नहीं जा रहे पानी के, फिर भी शी इज क्रिएटिंग सो मेनी इशूज। सो ये देखें डक्स कितनी प्यारी लग रही हैं। जोया व्याम, अब इनको हम किसी और साइड पे लेके आए हैं, बस हम हमारी जिंदगी यही करते गुजर जाएगी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हर किसी को औलाद की खूबसूरत नेमत से नवाजें, क्योंकि ये भी बड़ी खूबसूरती है आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ में कोई आपको एक्टिविटी मिल रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बच्चा। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे। इधर हम बैठे हैं दोनों, मैं और मेरे जानू, और बच्चे हमारे उधर स्लाइड्स पे खेल रहे हैं। उसी तरफ म्यूजिक बजा रहे हैं, आप लोगों को यूट्यूब पे शो नहीं कर सकती क्योंकि वो कॉपीराइट दे देते हैं। जो कि हम यहाँ से लेने लगे हैं जायरो और चिकन ओवर राइस। तो ये हमारा ना शाम का खाना होने लगा है, बड़े अरसे बाद में ये खाना खाने लगी हूँ स्पेशली फूड ट्रक से। आज है डे 8 और आज हम चेकआउट करने लगे हैं होटल से, और अब हम डायरेक्ट अपने घर जाएंगे वाइट हाउस, जो कि नॉर्दर्न वर्जीनिया में है। क्यूटी पाए जाए ना, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, गए हैं, हमने बैठ के जाना है। चेकआउट होने लगा है हमारा, एक तरफ जोया बैठी है, एक तरफ जयान बैठे। गली बेवफा दी। सो आज हमारा लास्ट डे है, अब हम ट्रैवल करेंगे हमारे घर की तरफ, घर जाने वाले हैं। और फिर मेरे हस्बैंड बता रहे हैं इनको वहाँ पे बहुत काम है, ये कह रहे हैं कि घर जाके नेक्स्ट डे रिचमंड वाले, मतलब हमारे आशा ना हमें चले जाना है। मैं कह रही हूँ नहीं, यानी वाइट हाउस रहना है, मैंने ईद वहीं पर करनी है। सो लेट्स सी कि क्या होता है। ये कह रहे थे कि फिर तुमने ईद वहाँ पर करनी है, तो फिर मैं 1 वीक के लिए खुद चला जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी काम है आशा ना होम में। तो इनके ना ज़्यादा क्लाइंट्स जो है ना उस तरफ होते हैं, मतलब ज़्यादा इनका बिजनेस उस तरफ है, क्योंकि वो हमारा पहला वाला एरिया है ना। तो लेट्स सी क्या होता है। ये देखें गाइस, यहाँ पे मूविंग हाउसेस भी हैं। ये देखें, आप कोई जगह खरीदें और ये देखें ये नीचे टायर लगे हुए ना, इसको वहाँ पर जाके तो मूव करके आप रख लें खाली जगह पर। तो यहाँ पर पूरे पूरे हाउसेस भी आप मूव कर सकते हैं बने होते हैं इस तरह के, जैसे वो आरवी मैंने उस दिन आपको दिखाई थी ना, ऐसे ये हाउसेस भी होते हैं पूरे पूरे। सो गाइस, अभी रास्ते में ना एक ये एक मार्केट सी थी, हमने सोचा कि यहाँ से कुछ बाय करते हैं, क्योंकि ये ना यहाँ पे ये गांव है, गांव की ये मार्केट है। तो हमने सोचा कि कुछ बाय करते हैं। तो यार इस व्लॉग में ना मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँगी, मेरे माइंड में आ रही थी, जो कि मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ। हाँ जी बेटी, गैस मेरी जान पूरी बैक इस वेरी रेडी, ज़रूर शेयर करती हूँ कि यार बहुत लोग ना जब मेरे व्लॉग देखते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अल्लाह करे कि हम भी यूएसए चले जाएं, अल्लाह करे हम भी यूएसए चले जाएं, इस तरह की ना बहुत दुआ करते हैं। तो यार मैंने आप लोगों को ये बात बतानी है कि यूएसए में भी हर किसी की लाइफ अच्छी नहीं होती, जैसे पाकिस्तान में अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, हर तरह के लोग हैं ना, यूएसए में भी ऐसे ही है, हर कंट्री में ऐसे। आप ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से आएँगे तो यहाँ पर आप कोई बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास बहुत अच्छी एजुकेशन है तो आपको बहुत अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। हाँ, बेटी यू कैन नॉट ड्राइव। बेटी कैन यू प्लीज कीप क्वाइट। वी कैन गो एंड चेक।
ओके फिर गो बाबा को तो आ रहे हैं, तो बाबा कहाँ हैं? तो मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी, यही बात बतानी थी कि यार यहाँ पे भी ना आपको सेटल्ड होते होते बड़ा टाइम लग जाता है। लाइक मेरे हस्बैंड यहाँ पे 2011 में आए थे यूएसए, और मैं 2020 में आई थी। और जब मैं 2020 में आई थी ना, तब भी मेरे हस्बैंड के पास ना एक ही घर और एक ही गाड़ी थी। लाइक 9 साल उन्होंने यहाँ पे जॉब की, ऑब्वियसली उन्होंने उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है, 9 ईयर्स उन्होंने जॉब की, फिर उनकी एक ही घर एक ही गाड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी तब की बात नहीं है, जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी 2017 में हुई थी, तो तब उनके पास सिर्फ एक ही घर था जो उन्होंने 2016 में बाय किया था। एक ही गाड़ी थी क्रोला हमारे पास होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी उनको कहा कि यार आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें, इस तरह से आइडियाज़ करते करते ना फिर हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हम अब इस मुकाम पे हैं कि हमारे पास अब माशाल्लाह से अमेरिका में काफ़ी घर है और गाड़ियाँ अपनी, ठीक है। लेकिन उसको सेटल होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि यार यहाँ पे कोई बंदा आता तो वो ये इमेजिन ना करे कि उसकी आते ही यही लाइफ हो जाएगी। उसको आके बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगाना पड़ता है आपको, आपको अपना पूरा टाइम। बल्कि मैं आपको एक और बात बताऊँ, बहुत लोग जो यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे 20-20 साल से भी रह रहे हैं ना, तो वो आम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक मुश्किल से उनके खर्चे पूरे होते हैं। और आपको ये नहीं पता कि मतलब आप ये ना समझे कि यहाँ पे रहने वाला हर बंदा बहुत रिच है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत लोगों के पास गाड़ी तक नहीं होती अपनी कि वो एक गाड़ी ले सके, उनके इतने ज़्यादा मतलब वो स्पेशली उन लोगों के हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं जो यहाँ पे विजिट वीज़ों पे आके ओवर स्टे करते हैं, उन लोगों के पास इतनी भी नहीं होता कि वो गाड़ी ही एक ले सकें। तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब लोग बहुत अमीर हैं, यहाँ पे भी हालात लोगों के बहुत डाउन होते हैं, वो अलग बात है कि लोग ना शो नहीं करते। तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार यहाँ पे भी दरख्तों पे पैसे नहीं लगते, यहाँ पे भी अमीर और गरीब हर तरह के लोग रहते हैं। जोया ने इस ट्रेन पे आने के लिए रोला डाला हुआ था। हाँ जी बेटे आ जाओ, आओ मेरा बच्चा, आओ मेरा बच्चा। दयान, जोया। सो गाइज बैक टू होम, यहाँ पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबकी सारी विशेस पूरी करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। अब ना मेरी घर की रूटीन शुरू हो जानी है, तौबा जाके मुझे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, याद आया कि आगे जाके घर बहुत काम करने पड़ने हैं और बहुत कुछ करना है, और वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।